चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे स्कूल गए, और मैं फ़ैन बंद कर दूँ नहीं तो फिर आवाज़ आती है फ़ैन की। तो बच्चे स्कूल गए और 7:30 बज रहे हैं। मैं चल रही हूँ पूजा करने, और आज है 29 अप्रैल, और आज है मेरी एनिवर्सरी। आज मेरी शादी को पूरे 15 साल कंप्लीट हो गए। कभी कभी सोचो तो लगता ही नहीं है। अभी मैं चल रही हूँ पूजा करने, तो पूजा करके उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, और जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कोई वैसा सेलिब्रेशन वगैरह नहीं है, दिन भर भी मेरी जो रूटीन होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे मैं पूजा कर लेने के बाद में। ना भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु, ना भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु। तो गाइस, मेरी पूजा वगैरह हो गई है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं फटाफट से लग चुकी हूँ खाने में। तो यहाँ पर प्रेशर नहीं बन रहा था ना, तो कुकर में वही मैं जो है ठीक कर रही थी। थोड़ी सी रबड़ कभी कभी ढीली हो जाती है, तो किसी किसके साथ ये प्रॉब्लम होती है कभी कभी बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा, आप सोचेंगे ये कटोरी में क्या करने जा रही है, मैं थोड़ा सा आटा गूँथूँगी। एक्चुअली मॉर्निंग में मैंने जो है ना बच्चों के लिए नमकीन पूरी बनाई थी, तो वो आटा रखा हुआ है। तो हम लोग तो नमकीन पूरी खाएँगे, तो मैंने सोचा खाना को क्या दूँ, और वो पहले से जो है आटा रखा था तो इस तरह से साफ़ थोड़ा सा है कि नहीं, ये सब डाउट रहता है ना। तो मैं वही थोड़ा सा, मतलब कान्हा के भर का आटा जो है, मैं थोड़ा सा मैंने नमकीन आटा गूँथ लिया है, और उनके लिए बस 2 पूड़ी निकालूंगी, और फिर उसी पैन में मैं तुरंत तड़का लगा दूंगी और दाल में मतलब फ्राई कर दूंगी मिर्चे और जीरे और हींग से। तो इसी तरह मैं मतलब कान्हा के लिए करती हूँ प्रिपरेशन, लगभग मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो सबसे पहले कान्हा को भूख लगाऊंगी, दाल चावल बन गया है और ये पूड़ी निकाल के भूख लगाऊँ, उसके बाद फिर जो है ना वापस आके अपने लोगों का करूँगी। बाय द वे, आज मेरी एनिवर्सरी है, वो मैंने आपसे बताया ही है। तो आज मेरी शादी को पूरे 15 साल कंप्लीट हो गए। ये 15 साल कैसे बीत गए घर गृहस्थी में, बच्चों में, परिवार में, पता ही नहीं चला। और कोई खास सेलिब्रेशन नहीं है, बस ये है कि घर में बच्चों के लिए हम लोग आपस में कुछ खा लेंगे। और वैसे भी हम लोग की जो लाइफ है वो गाँव, मतलब गाँव में रहते हैं हम लोग, तो ज़्यादा कहीं बाहर आना जाना तो होता नहीं कि चलो होटल घूमाएँ, कहीं घूमाएँ, पार्क घूमाएँ। तो जो भी सेलिब्रेशन है हमारा, तो पार्क हमारा, होटल हमारा, मार्केट तो हमारा घर ही है। तो हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादा सेलिब्रेशन वगैरह नहीं करते। लेकिन कुछ मैं बनाऊंगी आगे आपसे, मतलब शेयर करूंगी मैं क्या बनाऊंगी शाम तक। तो चलिए कान्हा को भोग लगा आते हैं। तो ये देखिए पूरी बन गई है, दाल चावल दही है। तो कान्हा को भोग लगाने के बाद फिर जो सुबह वाली कढ़ाई थी, और उसमें मैंने जो है सुबह वाले आटे से फटाफट से मैं जल्दी से पूड़ी निकाल ली। और यहाँ गुनी के पापा पूजा करके आ गए, हम लोग कुछ बात कर रहे थे, पता नहीं कुछ कह रहे थे, मुझे याद नहीं है ठीक से, वही एनिवर्सरी वगैरह में कुछ कह रहे थे कि 15 साल में लोग कितने चेंज हो जाते हैं, मैं भी 15 साल पहले कैसे थी। अभी मैं यहाँ पर फोटो लगा दूँगी, आप देखिएगा। तो खाना यहाँ पर रेडी हो गया है, सादा सादा सात्विक भोजन रेडी है, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पर खाना वगैरह हो गया, फिर मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ, और इसके बाद गुनी पापा चाय पीकर फिर निकल जाएंगे, वो शाम को आएंगे। इसके बाद मैं डायरेक्टली आपसे शाम को मिलूंगी। तो ये जो टाइम है ना, लगभग 3 बजे का टाइम है, वो आ गए थे। और ये अमरूद हमारे ही घर के जो पेड़ का है, मैंने लास्ट कुछ वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, तो बहुत ही अच्छे, मतलब ये लाल गुजी वाले अमरूद निकलते हैं, इतने खाने में टेस्टी, मीठे होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये अमरूद खा लेंगे, उसके बाद चल रही हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है मैदा। तो मैदा किस लिए, तो इसमें मैं मोयल लगाऊंगी। एक्चुअली मैं बनाने वाली हूँ कटोरी चाट, तो उसके लिए जो कटोरी बनती है ना, उसका जो है मैं पहले प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसमें मोयल के लिए मैंने तेल, नमक, अजवाइन डालकर और अच्छे से इसको मल लिया है।
यहाँ पर ये देखिए मैंने सब चीज़ डाल दी और इसे अच्छे से मैं मल लूँगी अच्छे से, और इसका एक सॉफ्ट सा जो है आटा लगा लूँगी एकदम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर। तो ये देखिए थोड़ा सा आटा अच्छे से गूँथ के और इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दे रही हूँ। इधर मैंने यहाँ पर जो है कटोरी को अच्छे से मतलब यहाँ पर ये देखिए ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है और एक दो कटोरी ऐसे ग्रीस करके रख लूँगी इस पर जो है जो कटोरी बनाऊँगी ना वही। तो बस यहाँ पर आटा अच्छे से सेट हो चुका है आप देख सकते हैं। तो बस नॉर्मल जो है जैसे रोटी के लिए लेते हैं आटा इतना ही आटा लेकर, इसकी हमें पतली सी एकदम पूरी बेलनी है, बहुत मोटी नहीं रहेगी बहुत पतली भी नहीं रहेगी, नॉर्मल जैसे हम रोटी बेलते हैं कुछ उसी तरह से ही। और उसके बाद चाकू से इस तरह से हम इस पर, आपके पास फॉग हो फॉग से भी कर सकते हैं, तो बस उससे करके और इसके ऊपर ये कटोरी बस रख के हमें इस पर सेट करना है कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा बचे उसको जो है बाद में चाकू से काट के निकाल सकते हैं, लेकिन एकदम इस पर अच्छे से चिपका देंगे और उसके बाद इसको ना हम कढ़ाई में तल लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया, बस एक्स्ट्रा जो है वो चाकू से मैंने निकाल दिया। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है ना तो ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, देखने में सबसे बड़ी बात खाने से ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो यहाँ पर तेल को अच्छे से पहले चेक कर ले, अच्छे से तेल गर्म हो जाए तो फ्लेम को एकदम लो कर दें, क्योंकि जितनी क्रिस्पी हमारी ये जो है बास्केट चाट की बास्केट बनेगी ना उतना ही हमारा जो देख खाने में और देखने में भी तो अमेजिंग लगता है, खाने में टेस्टी भी होगा क्रंची सा। तो यहाँ पर इसको अलटते पलटते हुए जब तल लेंगे ना तो कटोरी बहुत आराम से निकल जाती है कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने निकाल लिए, बस कटोरी निकालने के बाद में इसे अच्छे से एकदम लो फ्लेम पर तल लेंगे। तो ये देखिए एक कटोरी मेरी रेडी हो चुकी है, इसी तरह से मैं सारी कटोरी तल लूँगी। तो सारी कटोरी यानी कि बास्केट मैंने तल ली और ये देखिए यहाँ पर मैंने ये पोहा लिया है चूड़ा जिसे कहते हैं, उसे मैंने भिगो कर रख दिया 10-15 मिनट के लिए। और बस आलू को जो है यहाँ पर मैं मैश कर रही हूँ, इसकी बनेगी टिकिया। तो अच्छे से आलू को मैश करके और उसके बाद ना इसमें यही जो पोहा मैंने भिगो के रखा था यही मिलाऊँगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा नमक डालूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालूँगी, ज़्यादा तीखा नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा फ्लेवर आने के लिए बस बहुत थोड़ा सा ही मैंने इसमें डाला है। उसके बाद फिर इसमें जो पोहा है ये पोहा ऐड करके और खूब अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स करके इसकी बना लूँगी टिक्कियाँ, और टिक्कियाँ बनाकर मैं इसे सेक लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे सेक कर रख लिया है। तो चलिए अब यहाँ पर जो है सर्विंग की तैयारी करते हैं। मटर मैंने पहले ही बॉयल कर रखी थी, तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए मैंने कटोरी ले ली है और इसके ऊपर फिलहाल आप सर्विंग अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 टिक्कियाँ लगा दी हैं, उसके ऊपर मैंने ये छोले डाल दिए हैं। छोले मैंने सिर्फ नमक डाल के बॉयल किया और कुछ भी इसमें मैंने नहीं डाला है। तो छोले डालने के बाद इसके ऊपर जाएगी चटनी, खट्टी मीठी चटनी जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर मैंने मीठी चटनी डाल दी है और खट्टी चटनी डाल दी है हरी वाली। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे टमाटर से गार्निश कर दिया है, टमाटर खीरा प्याज दे। तो मतलब प्रेजेंटेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे किसी के सामने से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही डाल दी है प्याज टमाटर के बाद, दही जिस बहुत लोगों को नहीं पसंद होती तो इसके भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये देखिए मैंने सेव डाल दी है, आपके पास मुरमुरे या चिप्स कुछ भी हो आप इस पर डेकोरेट कर सकते हैं। फिर से वही बात आती है ना कि प्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से कैसे भी करें, खाने में टेस्ट वही आएगा, बस देखने में उसका लुक चेंज होता है। तो यहाँ पर फिर से मैंने चटनी डाली है हरी और मीठी, धनिया के पत्ते, ऊपर से चाट मसाला। तो बस रेडी है हमारा यहाँ पर ये देखिए हमारा एनिवर्सरी स्पेशल बास्केट चाट रेसिपी। कैसी लगी आपको? तो चलिए इंजॉय करिए रेसिपी को और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।